हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं वजाहत और आज लेके आया हूं एक वीडियो जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। और यस, वो दिन आ गया। आज है 26 जुलाई। और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पहले वाली, तो आपको पता होगा कि आज की वीडियो में क्या होना है। तो टाइटल में भी आपको पता तो लग ही है। सो आज लेने जा रहा हूँ मैं अपनी कल्टस VXL मैनुअल की डिलीवरी। और जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, और वीडियो जो मैंने बनाई थी, मज़े की बात मैं अभी उसको रिपीट करना चाह रहा हूँ। उस वीडियो में मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि मैंने ये गाड़ी मई में बुक करवाई थी और वो वीडियो जो थी ना, वो मैंने तकरीबन 1.5 महीने बाद अपलोड की। उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि आप लोग ज़्यादा वेट ना करें और मैं जब वो वीडियो डालूं तो उसके हफ्ते बाद ही मैं उसकी डिलीवरी ले लूं। तो मेरे कुछ भाई कह रहे थे कि जुलाई का महीना चल रहा है, तो आप कह रहे हैं कि ये मई है तो ये जुलाई है। तो एक्चुअली वो मई ही था, मई में मैंने इसको बुक करवाई थी। ऑब्वियसली 2 महीने का इसका वेट टाइम था। सो अभी बस हम निकलने लगे। अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 26/5 को मैंने ये बुक कराई थी, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और ज़ाहिर है मैंने उस वक्त जो है उस वक्त की प्राइस के ऊपर बुक करवाई थी। तो ये 1970 है, 15,000 इसमें टैक्स, और 1985 की टोटल मुझे पड़ी। और जो डिलीवरी डेट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 26/7/21, तो आज 26/7/21 ही है। सो आज लेने जा रहा हूँ। सो हम आ गए हैं शोरूम अपनी गाड़ी रिसीव करने। लेट्स सी कहाँ खड़ी है, मे बी अंदर खड़ी है या बाहर खड़ी है, देखते हैं। आई थिंक सो ये वाली खड़ी है, आई थिंक सो ये वाली खड़ी है गाड़ी, हो सकता है यही है, पूछना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे गाड़ियाँ देखें, ऑल्टो ही ऑल्टो है। वाह, ऑल्टो की बहुत डिमांड चल रही है। और एक कल्टस खड़ी है यहाँ पे मेरे अलावा वाली, और बाकी ऑल्टो ही ऑल्टो, बाकी ये सुजुकी की जो है लोडर खड़े हैं। ये जो की है, अब ये मेरी गाड़ी को लगेगी, बहुत बड़ी सी की दे दी है इन्होंने। वो आ रही है गाड़ी अपनी, ये देखिए। तो ये अभी एक्चुअली मैं करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पिक्चर लूँगा ना, इस वीडियो के लिए एक पिक्चर लेनी है इस की के साथ। आपका गेट पास ठीक है या बाहरी पेशक रखने के लिए आपका डिलीवरी ऑर्डर है, तो फिर साइंस टाइम आपका इंजन नंबर चेसिस नंबर चीज़ मैंशन किया है, मैं आपका इंजन चेसिस चेक करवा देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ, आपने ये चेसिस नंबर नोट करना। और इसके साथ आते हैं ठीक है, और ये इसके साथ आती है मैनुअल बुक है और वारंटी बुक है, ठीक है सर। मैं ये वारंटी बुक है, मैनुअल बुक है, और ये बैटरी कार्ड है, और ये इसका रिमोट है, ठीक है। ये चीज़ें इसके साथ आती है, बाकी स्टेपनी पीछे और एक पैनल का पीछे, ओके। बाकी मैट डाल दी, और ये इसके साथ अलग कर देना, अलग कर, हाँ एक अलग है इसके, इस तरह का दे दें। अच्छा, मैट है जी, मैट डाल दी मैंने सर, मैट डाल दी हुई, ठीक है। मैट कौन से वाला है, ये दूसरे हैं। $5,000 to $10,000 में है, उसमें डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, जो जम्बो पैक में आ रहा है, हाँ जम्बो पैक के अंदर ये होता है कि एक तो इसका टॉप कवर आ जाएगा, अच्छा स्टीयरिंग कवर आ जाएगा, और सीट कवर, ये चीज़ें आती हैं अगर आप एडिशनल लेना। और मैट फ्लोर मैट तो नहीं, दूसरी प्लास्टिक वाले, प्लास्टिक वाले एडिशनल आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, सीट कवर्स और स्टीयरिंग कवर, टॉप कवर आ गया, टॉप कवर बस, ये 10,000 में, ठीक है। मतलब बाहर से ही लगवाना चाहिए। तो ये रही अभी डिलीवरी, हमने इसकी ले ली है, और मेरे पास दो कीज़ हैं, दो कीज़ इसकी मिली हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसके साथ क्या क्या मिला है। इसके साथ जो है वो ये दो कीज़, इसके अलावा जो है ये मैट्स, ये वाले ये डाल के दिए, और इसके अलावा ये जो वारंटी बुक है मैनुअल हो गया, ये जो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो है यूज़र मैनुअल हो गया, और ये वारंटी कार्ड,
और ये इसका जो रिमोट, ठीक है, इसका रिमोट, तो ये चीज़ें हैं जो इस गाड़ी के साथ अभी मिली हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने इस गाड़ी को पुरानी प्राइस पे बुक करवाया था, तो अभी जो है मुझे 2.5% जो FED है वो काम जो हुआ है वो मिलेगा, अभी फ़िलहाल मिला नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ दिनों तक, अभी उसका कोई एस्टीमेट नहीं है कब तक वो चेक आएगा, वो मेरे नाम पे चेक आएगा। लेकिन जो सेल्स टैक्स कम हुआ है 17% से 12.5% हुए हैं, वो उसी वक्त कट गया था, सो वो रिफ़ंड नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा मुझे लॉस एक तरह से होगा, सही, अल्लाह खैर करे तो 2.5% FED मिल जाएगा। तो ये चीज़ थी, अभी जो है मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दिए हैं। अच्छा, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये डिलीवरी पास है, और इसी तरह की, और इसी तरह का एक और भी है, वो हमारा पर्सनल होगा। और इनवॉइस की जहाँ तक बात है वो अभी मैं पता करता हूँ, शायद मिल जाए, अगर नहीं मिली तो वो 2-3 दिनों तक आ जाएगी, तो हो सकता है अभी वो दे दें, अभी वो देख रहे हैं फ़िलहाल। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अच्छी है, ज़ाहिर है नई है तो अच्छी है, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो सारी आएंगी। अच्छा, मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, आज जो है 26 जुलाई है, और फिर भी वो पिछली वीडियो में लोग कह रहे थे कि आप जुलाई को आप मई कह रहे हैं, लेकिन वो मैं मई कह रहा था क्योंकि मैंने मई में इसको बुक कराया था। तो अभी अगर आपने बुक करवानी है गाड़ी तो ये 60 दिन की इसकी बुकिंग है, अगर 60 दिन से ऊपर लेट हो भी जाता है तो आपको 3% जो है प्रॉफिट मिलता रहेगा, मिल जाएगा अगर लेट हुई। वैसे लेट होगी नहीं क्योंकि मुझे भी जल्दी मिल गई है, मैंने रिसीविंग आज की है, वैसे ये गाड़ी आज 5-6 दिन पहले ही गई थी। अब हम इसको लेके घर चलेंगे, मैं आपको इसका मीटर दिखा दूँ एक बार। अभी जो है मैं कोई इसका रिव्यू वगैरह नहीं दे रहा, वीडियो सारी आएंगी इस गाड़ी के ऊपर, सारी वीडियोस आएंगी। सो ये देख सकते हैं कि 48 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई आई है, जहाँ से ये लाते हैं इस शोरूम तक, तो 48 किलोमीटर है। बाकी इसका जो है मीटर मुझे बड़ा फिट लगा। अभी इंशाल्लाह मैं इसको ड्राइव करके घर जाऊँगा, और यह वीडियो का फिर वहीं पर एंड हो जाएगा। अच्छा, पेट्रोल इसमें बिल्कुल नहीं है, एक लाइट ब्लिंक कर रही है। इसका इंशाल्लाह मैं फुल थॉरली टेस्ट करूंगा कि ब्लिंक करने में कितनी जल्दी, अभी मुझे नहीं पता इसमें कितना डाला हुआ है, 1 लीटर डाला हुआ है, 2 लीटर डाले हुए, तो इस ब्लिंकर पे मैं नहीं जाता। अच्छा, कितना डाला, कितना डालते? सही है, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल अभी डाला है क्योंकि ज़ाहिर है अभी चला के जानी है, तो तकरीबन मेरे ख्याल 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र है। अच्छा, ये रही इनवॉइस, और इनवॉइस के 4 पेज होते हैं जो कि रजिस्ट्रेशन में काम आते हैं। पहला पेज उसके ऊपर लिखा होता है फॉर रजिस्ट्रेशन, सो ये 2-2 पेज होते हैं, मतलब टोटल 4 होते हैं, एक के ऊपर फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा होता है और एक के ऊपर लिखा होता है ओनली फॉर वेरिफिकेशन एंड नॉट फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये 4 पेजेस आपको लाजमी होने चाहिए, तो जब आप गाड़ी रजिस्टर करवाने जाएंगे तो ये आपके पास होंगे, तभी आपकी गाड़ी रजिस्टर होगी। तो अभी हम गाड़ी को लेके घर जा रहे हैं, और शाम का टाइम हो गया तकरीबन, अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:48 हो रहे हैं, अभी हम आधे रास्ते पे पहुँचे। और इनिशियल थॉट्स क्या हैं, कैसी गाड़ी चल रही है, कैसा रिस्पांस है, वो सब मैं नोट कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो इस डिलीवरी वाली से अगली वीडियो होगी वो मैं इसका रिस्पॉन्स ही बताऊँगा, फिर इसकी POV ड्राइव, इसके POV ड्राइव इम्प्रेशन, सब टेस्ट जितने ऑल्टो पे किए हैं सब इस पे होने वाले हैं, उसके लिए इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुका हूँ अपने, और घर वाले बहुत ही खुश हैं, उनको बहुत पसंद आई है गाड़ी, देखने में खूबसूरत है काफ़ी, ऑल्टो खूबसूरत नहीं थी वैसे, ठीक थी, मतलब अब हमें वो बहुत अच्छी लगने शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो शुरू से उसका था डिज़ाइन, मैंने आपको पहले ही बताया था उसका डिज़ाइन हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, और
अब जैसे ये घर आ चुकी है तो अब जो दूसरी चीज़ है हमने इसको रजिस्टर करवाना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसीजर जो भी होगा मैं कुछ करूँगा, उसको कवर करूँ, उसकी एक अलहदा से मैं वीडियो बना लूँ। तो अब GLI फ़िलहाल मैंने पीछे खड़ी की है, वैसे GLI आगे ही होती है और ये पीछे होगी, क्योंकि छोटी गाड़ी है ना जो, तो वो हम पहले जो है निकालते होते हैं क्योंकि मार्केट जाना हो इधर होता है। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरे वीडियो को भी लाइक कर दें, और ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप लोगों को मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।